100 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रत्याशी विजय बघेल ने सभी को गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश दिलाया है। उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। दीपक बैज ने लेटर बम को बीजेपी की साजिश बताया है और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, पार्टी के खिलाफ चिट्ठी लिखवाई जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डर की वजह से कुछ नेता उनकी बात मान भी रहे हैं। ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये प्री प्लानिंग है, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें करवा रही है, ताकि मैंने कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस को आपस में लड़वाने का काम, फूट डालो शासन करो का नाम काम ये भारतीय जनता पार्टी का काम है और जानबूझकर ये इस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दीपक बैज के बयान का समर्थन कर दिया है और महंत ने भी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी हमारे नेताओं को डराने धमकाने के काम में लगी है। नेताओं को बीजेपी में नहीं आने पर झूठे मामले में फंसाने तक की धमकी दी जा रही है। लेटर बम और दूसरे बयान इसी साजिश का हिस्सा है। दीपक बैज जी ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूँ। ये जानबूझ करके हमारे लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये साजिश के ही तहत हो रहा है और इसी तरीके से साजिश वो हमारे कई पुराने विधायकों को, पुराने मंत्रियों को भी दे रहे हैं। बार बार फोन आ रहा है, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, जय सिंह जैसे दबंग विधायक, दबंग मंत्री के पास भी उनकी कोशिश जारी है, ये कोशिश नाकाम रहेगी। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान नहीं होने पर सीएम ने तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस डूबती नैया बन चुकी है और इनकी नाव में छेद हो रहा है जिसमें पानी भर रहा है। सीएम साय ने यह भी कहा कि लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतना बिखराव है कि पूर्व सीएम के सामने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखी जा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना पीड़ित हो चुका है कि उनके सामने बोलना पड़ रहा है कि 5 साल में आपने कार्यकर्ताओं को पूछा ही नहीं। बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और इतना बिखराव है कि मतलब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी भी तंज कस रहे हैं। ओपी चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबती नाव हो चुकी है जिससे पानी लगातार जिसमें भरता जा रहा है और सब कूद कर भागने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, कांग्रेस आला कमान ने उन्हें जबरदस्ती उतारा। कांग्रेस आधी सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, मोदी जी की लहर नहीं बल्कि सुनामी उन्होंने बताई और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से इसमें डूब चुकी है। कांग्रेस में, कांग्रेस एक डूबती नाव है जिससे पानी भरता जा रहा है तो सब कूद कूद करके भागने के लिए विवश हैं। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, आला कमान ने, उनके कांग्रेस के आला कमान ने इनको जबरदस्ती उतार दिया है। आधे जगहों पर ये प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी है जिसमें कांग्रेस को पूरी तरह से बह जाना। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हुए हैं। कांकेर के दौरे पर आए मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडों की पार्टी नहीं है, जो गुंडों को पालते थे वो जेल के अंदर हैं। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती नैया है। इस मौके पर पूर्व विधायक मंगतु पवार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले।
कोई भी दोषी हो, कोई भी गुंडा हो, ये गुंडों की सरकार नहीं है। जिन लोग गुंडे को पालते थे आज वो जेल के अंदर है, कुछ बेल लगा करके बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी आज डूबती हुई नैया है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके उनके सारे सदस्य भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन कोरबा पहुंचे, उन्होंने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। ग्यारह लोकसभा सीटें पार्टी की झोली में आएंगी। जिस प्रकार से पूरे राज्य में माहौल है और विगत चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने हम पर विश्वास किया, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, और आज विष्णुदेव की सरकार ने मोदी की गारंटी को जिस प्रकार से मात्र 90 दिनों में पूरा करने का काम किया है, मुझे लगता है जो 10 बड़े हमारे घोषणाएं थी उन सभी पे जो काम काज शुरू हुआ और योजनाएं जनता के बीच में पहुंची, 50,000 करोड़ से ऊपर की राशि सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के खाते में पहुंची, ये निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हैं जो 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में। उधर बस्तर की संसदीय सीट को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जगदलपुर कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। बस्तर लोकसभा सीट पर 8 विधानसभाएं आती हैं और मतदान प्रक्रिया के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यहां पर नामांकन दाखिल करने का समय दिया गया है। जिले के 760 मतदान केंद्रों में प्रशासन ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रखी है। के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव बस्तर में होना है, 19 अप्रैल का दिन तय किया गया है और आज से लेकर 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैरिकेड्स कलेक्टर बस्तर का है जहां पर पूरी व्यवस्था की गई है और नामांकन आज से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो ये नामांकन की प्रक्रिया है वो 27 मार्च तक चलेगी। बस्तर कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने कहा है कि जिले के 760 जो मतदान केंद्र हैं उनका जायजा लेने के बाद उनको सुरक्षित किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो चुनाव का जो प्रक्रिया वो पूरी तरह से संचालन किया जा सके। अब देखना होगा कि जो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब तक फिलहाल कोई फॉर्म लेने नहीं आया है और धीरे धीरे फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज होगी। भाजपा से महेश कश्यप मैदान में है तो कांग्रेस से अब तक प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है। ऐसे में जो 27 मार्च तक है, अब देखना होगा कि आने वाले एक दो दिन में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन दल आता है और नामांकन फॉर्म